मुरादाबाद महानगर के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गिरजाघर में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सभी मसीह समाज के बुद्धिजीवियों ने गिरजाघर में आयोजित प्रार्थना सभा में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। सभी लोग देश प्रदेश और शहर के लिए प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे थे। आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन से जोड़ दी, पूरी रात आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। आपके अनुग्रह की दृष्टि प्रभु हम पर हुई, इसलिए हम सोते ही नहीं रह गए, लेकिन सुबह उठे तरोताजा हुए और आपके इस पाक महफिल में पहुंचाए गए ताकि हम अपनी जिंदगियों के द्वारा प्रभु आपके नाम को धन्यवाद दे सकें, क्योंकि आपके बड़े उपकार हमारे जीवन पर हुआ। आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया इस वर्ष भी हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव की खुशी में शामिल हो सकें और अपने आनंद को प्रभु न केवल परिवार के साथ लेकिन कलीसिया स्तर पर, सामाजिक स्तर पर एक दूसरे के साथ बांट सकें और मसीह के उस प्रेम को जो हम में पाया जाता है, मसीह के सुसमाचार प्रचार प्रसार के लिए अपने कार्यों के माध्यम से लोगों तक ले जा सकें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने बहुत बड़ा इंतजाम, बहुत बड़ी योजना हम पापी मनुष्यों के खातिर इस पृथ्वी पर बनाई। हम जो पाप में थे, हम जो अंधकार में थे, हम जो बुराई में थे, हमारा जो रिश्ता आपसे टूट गया था, आपने उस रिश्ते को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से जोड़ दिया और इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मनुष्य रूप लिया, आप इस पृथ्वी पर आए और हमको यह अधिकार दिया कि जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे ग्रहण करते हैं वे परमेश्वर पिता की संतान हो जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि यदि आप नहीं आए होते तो प्रभु हमारे पास कोई जीवित आशा नहीं होती। सभी का ये कहना था कि दो वर्ष के बाद बड़े उत्साह पूर्वक हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। इस दौरान भारी संख्या में गिरजाघर में प्रभु यीशु मसीह के, ये ओल्ड सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च है, मुरादाबाद का सबसे पुराना चर्च है और इस गिरजाघर का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मना रहे हैं और पिछले साल कोरोना महामारी के कारण हम इतने उत्साह के साथ अपने प्रभु के जन्मदिन को नहीं मना सके, लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि इस वर्ष हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियों को मना रहे हैं। और मैं इस अवसर पर सारे शहरवासियों को और अपने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस बोलता हूं